गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। टुडे आई विल टीच द वर्णमाला। बच्चों देखिए, आपका वर्णमाला है, इसमें क्या परिभाषा है वर्णमाला की, वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए, इसमें स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। जो बच्चों, जो आपने ये स्वर पढ़े थे और ये व्यंजन, इनको मिलाकर जो हिंदी की वर्णमाला बनती है, वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे कि वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब विशेष देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और आप इनको देख लीजिए। देखिए बच्चों, स्वरों के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब इन नीचे हम ऐसे ऐसे लगा दें, छोटी छोटी रेखा खींच दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है, क ख ग घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। जैसे का प्लस आ, क, अंग, अ और आह का वर्ण ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ये ध्वनियां अ स्वर पर लगती हैं, जैसे कंगन, हसी, नमः आदि। ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है, जैसे पेड़ और गढ़ आदि। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माधव प्रातः सैर करने जाता है। देखिए बच्चों, उसमें विसर्ग लगा हुआ है, आहा हा की आवाज आ रही है। माधव प्रातः सैर करने जाता है। भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। आकाश में चांद निकल आया। अब देखिए बच्चों, अपने झंडे, तिरंगा, चांद, प्रातः आदि शब्दों में अंग, अ और आहा चिन्ह देखे। ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स में लिखा है कि किस तरह से इनको पहचानना है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु बिंदी होता है, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, और तथा विसर्ग का चिन्ह दो बिंदी जो आहा होता है, विसर्ग बोलते हैं उसको। तो बच्चों देखिए, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये भी लिखवाया है। हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए बच्चों नीचे, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। तो कक्षा कैसे लिखा गया है, का में नीचे देखिए क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, है? प्लस सा, प्लस बराबर इक्वल छ, और कक्षा हो गया। फिर देखिए बच्चों, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, छात्र कैसे लिखा गया, ता प्लस रा, और त्रा प्लस छात्र हो गया, छात्र या छात्रा हो गया। अब देखिए, आर्यभट्ट बहुत ज्ञानी थे, तो ज्ञानी कैसे लिखा, जा में फिर ई और ज्ञा बराबर ज्ञानी हो गया है। श्रमिक काम कर रहा है, तो देखिए श्र प्लस रा, श्र और श्रमिक हो गया। अब बच्चों ये थोड़ा सा जो दोहराए वाला, इसको दोहरा लेते हैं एक बार, देख लीजिए। मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लिखोगे वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अंग, अ तथा आह, ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपका ये आज का वर्ण का पाठ यही समाप्त होता है, और आप लोग इसको याद भी करते चलिए, और प्लीज अपना कार्य अच्छी तरह लिख कर, सुंदरता से लिख कर उसको तब भेजें तो चेक करने में कोई समस्या ना आए मुझे। धन्यवाद।